जय हिंद नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री पॉइंट के एक और नई और शानदार वीडियो में मैं आपका दोस्त अक्षय वर्जे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सोयाबीन के एक दमदार और अच्छे उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि बुआई का मौसम नजदीक आ रहा है और बहुत सारे किसान कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव करें जो कि अच्छा खासा उत्पादन दे। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सोयाबीन के वैरायटी के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो यशोदा हाइब्रिड सीड कंपनी की आती है, उसका नाम है ब्रह्मोस 1009। दोस्तों, यशोदा हाइब्रिड सीड्स इंडिया के एक लीडिंग सीड कंपनी है, जो कि पिछले 28 सालों के अथक परिश्रम एवं रिसर्च के द्वारा ये उन्नतशील किस्म उन्होंने डेवलप की है। तो दोस्तों, ये वैरायटी हल्की और मध्यम मिट्टी में काफ़ी अच्छी तरीके से आती है। बुआई के अनुकूल समय की बात करें, यानी कौन से समय में आपको ब्रह्मोस इस वैरायटी की बुआई करनी चाहिए, तो दोस्तों ब्रह्मोस को आप 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पौधे से पौधे की जो दूरी होती है लगभग आपको 4 से 5 इंच तक रखनी है, और कतार से कतार की दूरी होती है वो 15 से 18 इंच तक आप रख सकते हो। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैरायटी है ब्रह्मोस, इसकी जो जर्मिनेशन क्षमता है वो 90 से 95% है। इसके कारण इसका दाना दाना जर्मिनेट हो जाता है, तो इसी वजह से आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसी वजह से पौधे की जो दूरी होती है और कतार से कतार की जो दूरी होती है वो आप इस प्रकार से मेंटेन करके ही उसकी बुआई वहाँ पे करिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप दूरी मेंटेन रखते हो तो आपको 1 एकड़ में इस वैरायटी की 25 kg बीजों की आवश्यकता वहाँ पे होने वाली है। और इस वैरायटी की ऊंचाई की बात करें, यानी ब्रह्मोस का जो पौधा होता है वो कितना हाइट लेता है, तो लगभग 3 से 3.5 फीट तक हाइट इस पौधे की हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया हाइट होती है 3 से 3.5 फीट। अगर आप हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। किसान भाइयों, ब्रह्मोस इस वैरायटी की अन्य कुछ विशेषताएं, जैसे कि इसके जो दाने होते हैं काफ़ी बड़े दाने होते हैं, चमकदार एवं वजनदार दाने होते हैं, जिसके कारण मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है और हमारे उत्पादन में यहाँ पे मदद मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, इसके जो फलियां होते हैं 3 से 4 दाने वाली फलियां होती है, और एक पौधे के ऊपर लगभग 250 से 300 तक फलियां यहाँ पे गिनी जा चुकी है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी एक अन्य विशेषता है, जैसे कि बाकी की वैरायटी कैसी होती है, ज़्यादा उत्पादन तो देती है लेकिन अगर ज़्यादा बारिश गिर जाती है तो वो क्या होते है, सड़ जाती है, फसल वहाँ पे मर जाती है, लेकिन ये जो वैरायटी है ज़्यादा बारिश में भी अच्छा खासा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और साथ ही साथ ज़्यादा बारिश में वो उसके पत्ते होते हैं पीले नहीं पड़ते, और साथ ही साथ जो फंगस होते हैं या फिर सोयाबीन की फसल में जो येलो मोजाइक वायरस की समस्या आती है, तो उसके लिए भी एक टॉलरेंट वैरायटी है, जो कि अच्छी बात है। और बहुत सारे किसान भाई इसके मैच्योरिटी को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई ये अर्ली वैरायटी है या फिर लेट वैरायटी है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस 1009 एक अर्ली वैरायटी आप कह सकते हो, 90 से 100 दिन के भीतर ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाती है। तो इस वैरायटी में फूटा भी अच्छा खासा है, हाइट भी अच्छी खासी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उत्पादन के दृष्टि से सभी जो इसके कैरेक्टर है काफी बढ़िया कैरेक्टर है, एक रिसर्च वैरायटी है, हाईली रिसर्च वैरायटी है। तो किसान भाइयों, जरूर आप इस साल यशोदा हाइब्रिड सीड की ये जो ब्रह्मोस वैरायटी है इसका आप चुनाव कर सकते हो और अच्छा खासा मुनाफा एवं उत्पादन वहाँ पे ले सकते हो। आखिर जानते हैं कि भाई ये 1 एकड़ में आपको कितना मैक्सिमम उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट किया, शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक प्रॉपर मैनेजमेंट आपका रहा, तो दोस्तों ये वैरायटी आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ में आपको ये उत्पादन दे सकती है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है, एक दमदार वैरायटी है। तो ज़रूर आप इस वैरायटी का चुनाव करें और आपके रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसको परचेसिंग के लेकर कुछ दिक्कत आ रही हो तो कंपनी का मैं टोल फ्री नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।